हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर 6 प्लांट अराउंड अस, यानी जो पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर। संजीव वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ईटिंग एन एप्पल, यानी कि संजीव अपने गार्डन में एप्पल खाते हुए वो टहल रहा था। वैन इफ जब उसने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसका एक छोटा सा एक हिस्सा जो उसने केयरलेसली एक झाड़ियों के भाई बुशेज के पास फेंक दिया। तब उसकी सिस्टर रीता ने उसको उस जो बचा हुआ एप्पल का टुकड़ा था उसको उठाया और प्रॉपर तरीके से मिट्टी के अंदर प्लांट कर दिया। तब उसने बोला, सिस्टर ने बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता वी कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम दिस फ्रूट, कि नए यानी कि जो नए प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर सीड पाए जाते हैं उनसे ग्रो होते हैं, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता। संजीव काफ़ी सरप्राइज हुआ सुनकर ये कि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्लांट अबाउट द प्लांट अराउंड हिम, उसने कभी जो उसके आसपास जो प्लांट्स हैं जो ट्रीज हैं उनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। तब रीता ने कहा व्हाई डोंट यू टॉक विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते और मैं तुम्हें जो भी हमारे गार्डन में जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं उनके बारे में तुम्हें आज बताती हूँ। जैसे मैं नोटिस किया, जैसे हम भी नोटिस करते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ झाड़ी टाइप श्रब्स में होते हैं, कुछ हमको फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए जबकि कुछ नहीं देते हैं। इसके अलावा ये देयर आर सर्टेन फीचर देयर आर कॉमन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर ये जो कुछ फीचर्स हैं जो मोस्टली प्लांट्स में कॉमन पाए जाते हैं, कि ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे आर फिक्स्ड वन प्लेस, यानी कि वो सोइल में एक ही जगह स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, की पूरी लाइफ टाइम वो ग्रो होते रहते हैं। यानी कि ये 3 फीचर्स वो आपको कॉमन सभी प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्या कि वो हम अपना फूड जो होते हैं अपना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसके अलावा सॉइल में फिक्स होते हैं, इसके अलावा प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो देयर थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम तक वो ग्रो करते रहते हैं। यानी ये जो फीचर्स हैं वो प्लांट्स में कॉमन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एनिमल्स ह्यूमन प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं। इसके अलावा हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स की स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स होती है और सीधे खड़े होते हैं, यानी तने स्ट्रेट होते हैं उनके, स्ट्रॉन्ग होते हैं तने जो होते हैं। इसके अलावा कुछ के वीक स्टेम होते हैं और उनको खड़े होने के लिए किसी और दूसरे प्लांट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स का जो शेप और साइज जो होता है वो क्लाइमेट और दूसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि कौन सा प्लांट छोटा होगा, कौन सा प्लांट बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्लाइमेट और दूसरी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम आगे देखेंगे इस तरह देखा जाता है प्लांट्स आर नॉट ऑन फाउंड, कि कुछ प्लांट जो देखे पाए जाते हैं वो ना केवल लैंड पर पाए जाते हैं बल्कि वाटर में भी पाए जाते हैं। जैसे लोटस प्लांट है, लोटस वाट है नहीं कहते हैं, एल्गी है, ये ऐसे प्लांट हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। अब आगे देखते हैं रूट एंड द सूट सिस्टम, देखिए कि रूट यानी जड़ और उनका सूट सिस्टम। देखिए प्लांट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये रूट और शूट सिस्टम है। 2 बेस सिस्टम होते हैं किसी प्लांट्स को, एक तो रूट होता है, रूट यानी कि जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है जड़ बोलते हैं इसको, ये देख पा रहे हैं, और दूसरा शूट सिस्टम ये ऊपर वाला पार्ट होता है। वो पार्ट रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड इनटू द सोइल एंड गिव्स स्टेबिलिटी, यानी कि रूट यानी प्लांट का वो पार्ट होता है जमीन के अंदर होता है और ये प्लांट को स्थिरता प्रोवाइड करता है। ये आप देख पा रहे होंगे रूट, और ये ज़्यादातर जो है क्या होता है अंडरग्राउंड और जमीन के अंदर होता है। तो इसी की हेल्प से जो प्लांट जो होते हैं फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर सोइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जड़ों की मदद से ही प्लांट जो हैं फूड लेते हैं, अपना फूड लेते हैं और वाटर भी लेते हैं। ठीक है, अब सूट सिस्टम क्या होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सूट सिस्टम जो सोइल से ऊपर होता है। इसी में आपके स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स सब सूट सिस्टम के ही पार्ट हैं। जैसे आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये फ्रूट्स है, फ्लावर है, ये स्टेम है, ये लीफ है, यानी कि रूट्स जमीन से ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा सूट। ठीक है, जमीन से ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा सूट सिस्टम, नीचे वाला पार्ट ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा हमारा रूट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। देखिए प्लांट्स जो होते हैं कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मजबूत होता है, तो ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है जिससे वो काफ़ी लंबे ग्रो हो जाते हैं, दे ग्रो टॉल। तो इसके अलावा उनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएँ होती हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, थिन एंड शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट स्टेम होती है, तने जो होते हैं कम पतले होते हैं और छोटे होते हैं साइज में, उनको हम श्रब बोलते हैं, झाड़ी जैसे बोलते हैं रोज जैस्मिन हिबिस्कस चेरी, ये क्या श्रब्स यानी झाड़ियाँ हैं ये। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्टेम जो होते हैं ग्रीन होती हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपने आप खड़े हो पाएँ। तो ऐसे प्लांट्स को किसी दूसरे प्लांट्स के हेल्प से वॉल्स के जरिए रॉक्स के जरिए ये ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स।
क्लियर। ये ग्रेप वाइन और स्वीट पी ऐसे ही क्लाइंबर्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा क्रीपर्स क्या होते हैं, ये इतने वीक प्लांट होते हैं कि ये ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं, यानी ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, यानी कि ये क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, क्लाइंबर चढ़ने वाले प्लांट नहीं होते। जैसे पम्पकिन और बॉटल ग्राउंड कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं क्रीपर्स के। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि ज़्यादा प्लांट्स में कलर फ्लावर्स आते हैं, उनकी स्मेल अच्छी होती है, ठीक है, जो बीज और जो मधुमक्खियाँ उसको अट्रैक्ट करती है, दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिनकी जो स्मेल जो होती है। इसके अलावा जिनसे हेल्प द फ्लावर्स इन ग्रोइंग टू, और इन्हीं इंसेक्ट की हेल्प से ये जो फ्लावर जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में, यानी कि जो फ्लावर से जो स्मेल आती है, जो कलर जो होता है, जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, मधुमक्खियों को, दूसरे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को, और इन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से ये जो फ्रूट्स जो होते हैं, सॉरी जो फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सीड्स ऑफ फाउंड शायद फ्रूट के बीज जो होते हैं वो किसी भी फल के अंदर पाए जाते हैं, कि जब फल जो पूरे से पक जाता है तो ये प्लांट से नीचे गिर जाता है और सीड्स गिर प्लांट इन द सॉइल। क्लियर। ये तो आप जानते होंगे कि कोई प्लांट कैसे ग्रो करता है, हर सीड्स हर फ्रूट्स के अंदर कोई ना कोई वन से ज़्यादा हमें सीड्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर। अब बात करते हैं आगे कि प्लांट्स का यूज़ क्या होता है। कि संजीव काफ़ी अचंभित था, वो प्लांट्स के बारे में इतना पहले नहीं जानता था, तब वो बोला कि प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि प्लांट जो होते हैं हर दूसरे से अलग होते हैं, उनकी जड़ अलग होती हैं, उनके स्टेम्स अलग होते हैं, उनकी हाइट अलग होती है, यहाँ तक कि उनके फ्लावर फ्रूट्स भी अलग होते हैं, हर कुछ अलग होता है। तब रीता ने बताया यस, सारे प्लांट जितनी प्लांट जो होती हैं बहुत यूज़फुल हैं अलग अलग तरीके से। क्या बता सकती हो कि कितने प्लांट किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं? वाओ, प्लांट हेल्प अस टू रियल लाइफ, कि प्लांट तो हमारी डेली लाइफ बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि पहली बात की जाए कि प्लांट्स हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जब वो प्लांट अपना खुद फूड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम लोग इसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने में। तब संजीव बोलता है आई न्यू अदर वे विश, कि मुझे पता है कि प्लांट्स किस तरह हेल्प करते हैं। तो उसने क्या बताया कि वो हमें खाने के लिए देते हैं, देखिए बस फूड प्रोवाइड कराते हैं हमें, प्लांट गिव अस टू फूड, कि हमें किस फॉर्म में कराते हैं, हमें वेजिटेबल के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में हमें। इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं मीठी होते हैं, हम उनको ज़्यादातर कच्चा ही खा सकते हैं, एप्पल हुआ, बनाना हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट हमें वेजिटेबल भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल जिनको हम पका के खाते हैं, कैरेट, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर वेजिटेबल्स, यानी कि जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम पका के खाते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं ओनली फॉर ग्रोइंग ऑब्टेनिंग फूड, जैसे राइस, वीट, पल्सेस, ये भी प्लांट्स, इनसे हमें अनाज मिलता है। फार्मर्स इनको अपने खेतों में उगाते हैं, प्लांट्स ही तैयार करते हैं। इसके अलावा वे फिर जो है फार्मर्स प्लग द लैंड, ज़मीन को जोतते हैं, फिर वहाँ पे सीड्स प्लांट करते हैं, उसके बाद उसमें वाटर प्रोवाइड कराते, वाटर देते हैं, और फिर वेट करते हैं कि जो सीड्स जो उन्होंने बोए हैं वो बढ़ें, ग्रो करें। इसके अलावा वो उन सभी प्लांट्स की अच्छी केयर करते हैं और ये श्योर करते हैं कोई इंसेक्ट उनको अटैक ना करें, मतलब उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनको नुकसान डस्ट्रॉय ना कर दे। जल्दी ही प्लांट जो है बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फिर उनको हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया जाता है। और एवरी क्रॉप, यानी कि हर फसल का एक अपना टाइम पीरियड होता है और उसी टाइम पीरियड में, उसी सीजन में वो ग्रो होती है। जैसे कुछ क्रॉप्स जो है समर सीजन में ग्रो होती हैं, कुछ विंटर में ग्रो होती हैं। आगे देखते हैं क्या आप हाउ प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज, यानी कि आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने कि हर जगह रहने वाले लोगों की जो फूड हैबिट्स होती है वो अलग अलग होती है। कि जो माउंटेन पर रहते हैं वो अलग उनका फूड हैबिट अलग होती है, प्लेन में रहने वाले अलग होती है। क्लियर। तो इसी तरह से जो प्लांट होते हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रो होते हैं। जैसे कि एप्पल की बात किया तो एप्पल हमेशा वहीं ग्रो होता है जब मौसम ठंडा होता है, इसीलिए एप्पल हिमाचल प्रदेश कश्मीर में उगाए जाते हैं, काफ़ी मीठे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैंगो जो होते हैं गर्म जगहों में उगाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो महाराष्ट्र में काफ़ी उगाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी मीठे होते हैं। क्लियर। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अपने क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ग्रो होते हैं अलग अलग जगह पर। दूसरी बात की जाए कि जो फूड हम खाते हैं आज इवन ग्रोन हैव अर्लियर, कि पहले ऐसे नहीं थे। जैसे कीवी फ्रूट है, ये ऐसा फ्रूट है जो न्यूजीलैंड में ग्रो होता था पहले, ठीक है, कीवी, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत में भी ग्रो होता है और हर जगह ये आसानी से मिल सकता है। कीवी का नॉट ए प्लांट ओनली दैट हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द अदर कंट्री, यानी कीवी एक ऐसा प्लांट नहीं है जो दूसरे देशों से यहाँ पे आया है। कि करीब 500 ईयर्स अगो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो वो अपने साथ पोटैटो, टमाटो भी लेके आए थे और जल्दी ये काफ़ी यहाँ की
पॉपुलर हो गया और लोगों ने इसको यहाँ पे उगाना शुरू कर दिया। तो आप बता सकते हैं कि पटेटो टमाटो के बिना हमारा खाना कैसे हो सकता है? क्लियर। कि पटेटो जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे इंडिया में? पुर्तगाइज लेके आए थे। सबसे पहले कौन लेके आए थे? पुर्तगाइज, करीब 500 ईयर्स पहले। यानी कि पटेटो टमाटो हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये पुर्तगाल के हैं। इस तरह से जब वो भारत से वापस गए तो वो भी कुछ और प्लांट लेके गए यहाँ से, जैसे मैंगोज लेके गए, शुगर केन लेके गए। ओके स्टूडेंट, शुगर केन लेके गए और इसको उन्होंने अमेरिका को इंट्रोड्यूस कराया, अमेरिकन लोगों को। तो फिर जैसे जैसे लोग एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते रह गए तो वो भी इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे प्लांट लाइफ अपने साथ ले गए। क्लियर स्टूडेंट। तो प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में ग्रो होते हैं, और हमने अभी सीखा कि कुछ प्लांट्स यहाँ के थे, कुछ ऐसे लोगों ने एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू कर दिया तो वो भी एक जगह एक दूसरे से चीज़ें ले जाने लगे। इसके बाद करेंगे लीव्स ऑफ प्लांट, की पेड़ पौधों की पत्तियाँ की। लीव्स जो होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्लांट का। क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हीं के जरिए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फूड, यानी कि किस फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। यानी कि अगर पत्तियाँ नहीं होंगी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ग्रीन लीव्स होना जरूरी है। तो ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल ही गिव्स देयर ग्रीन कलर। और फिर क्या होता है कि सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट जो है क्लोरोफिल टू कंबाइन वाटर, क्लोरोफिल वाटर साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। यानी कि फूड बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब भी कंबाइन बन के जब फूड बनता है इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि फूड बनने के प्रोसेस को बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्लियर। आगे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम ही प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में, कि जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसी वजह से प्लांट जो होते हैं जहाँ होते हैं वहाँ के एयर को साफ करते हैं। इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और श्रब्स को ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा हमें देखते हैं, वी हैव लर्न सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के, अलग अलग प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसके बट द इजिएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वेज टू स्टडी देयर लीव्स, सबसे पहला जरूरी है उनकी लीव्स के बारे में जानना। कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स की जो साइज जो होता है उनकी लीव्स का भी साइज और शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे कि पीपल और नीम की जो है बहुत कॉमन ट्रीज इन इंडिया, बट बहुत डिफरेंट लीव्स की दोनों बहुत आसानी से भारत में पाए जाते हैं, कॉमन ट्रीज हैं, लेकिन उनकी जो लीव्स हैं वो अलग अलग हैं। उसी तरह से अगर कैक्टस को देखें तो इसके क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं। देखो दिख रहा है ना आपको, कैक्टस पे कांटेदार हैं। तो ये क्या होती है? लीव्स होती हैं। तो वाटर की कमी की ना होने की वजह से ये जो लीव्स होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प आते हैं, कि नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हम मेडिसिन बनाने में भी करते हैं, यानी कि लीव्स का इस्तेमाल अलग अलग होता है। इसके अलावा स्पिंच पालक की पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, जो काफ़ी न्यूट्रिशस होता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो फिर रीता जो है संजीव को कुछ और प्लांट दिखाने ले गई और उसने कुछ लीव्स पत्तियाँ उसको तोड़ के दिखाई। उसने क्रशिंग करते हुए उनको देखिए इस नोज से हर स्मेल, अब देखो स्मेल देखो, उसने उनको पकड़ क्रश किया और उससे बोला कि अब देखो उनकी स्मेल देखो। तो वन बाई वन करके स्मेल ने तुलसी की, मिंट की, कोरिएंडर की लीव्स को देखो, उसने सरप्राइज हो गया कि हर किसी की स्मेल जो है वो अलग अलग है। क्लियर स्टूडेंट। जैसे आके देखें कि संजीव ने एक और चीज़ नोटिस की लीव्स के बारे में, कि उसने ये देखा कि सम प्लांट्स के कुछ सभी प्लांट्स की जो लीव्स हैं ग्रीन नहीं है, कुछ की कलरफुल लीव्स हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लीव्स जो हैं टाइम के ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अपनी जो कलर है वो चेंज करती रहती हैं। कि समर में हमने देखा होगा फ्रेश लीव्स आती हैं, दे आर यूजली लाइट एंड ग्रीन, थोड़ी हल्की ग्रीन होती हैं, और जैसे दे ग्रो डार्कर और फिर बाद में वो धीरे धीरे और डार्क होती जाती हैं। ऑटम सीजन में बहुत सारे पेड़ों की जो लीव्स होती हैं मैपल कलर में हो जाती है। जैसे मैपल का यार ओक का स्टार्ट चेंजिंग, कि ऑटम सीजन में इन पेड़ों की जो लीव्स हैं वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दें। पहले वो ब्राउनिश होती हैं, फिर येलो, और फिर वो गिर जाती हैं, यानी कि गिर जाती हैं इसके बाद। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी ट्रीज़ की जो विंटर सीजन में लीव्स जो हैं बहुत ही कम मात्रा में तो गिर जाती है विंटर आते आते, और फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन में नई लीव्स हमारे प्लांट्स पे या ट्रीज़ पर आते हैं। इसी टाइम में प्लांट सर्वाइव इन द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड स्टोर इन द स्टेम। अब होता क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स की वजह से तो फूड कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहेगा कि प्लांट्स ने जो फूड पहले प्रिपेयर कर लिया है, यानी कि जब लीव्स ने प्रिपेयर कर लिया तो उसी का इस्तेमाल जो है वो
सर्दियों में जब लीव्स नहीं होती हैं या सनलाइट काफ़ी कम मात्रा में होती, तब इस फूड का इस्तेमाल वो करती हैं। क्लियर? तो ये प्लांट्स नए फूड प्रिपेयर नहीं करते, जो उनके पास स्टोर जो फूड होता है वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हैव यू वंडर व्हाट हैपन टू द लीव्स दैट फॉलो फ्रॉम ट्रीज, की देखा होगा कि जब वो पेड़ों से पत्ते गिरे तो क्या होता है, द लीव्स दैट फॉलो ऑफ आर कॉल्ड हेड लीव्स, कि जो 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 पेड़ों से जो लीव्स गिर जाती हैं, पत्तियां जो गिर जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेड लीव्स। और फिर उनको जो है कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनसे कंपोस्ट यानी खाद बनाई जाती है, जो काफ़ी सोइल को फर्टाइल और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो पत्तियां जो गिर जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनका कंपोस्ट बनाते हैं गड्ढे के अंदर। इससे क्या होता है, जो हमारी जो सोइल है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो संजीव ने इसके बाद क्या किया, एक पीपल की पत्ती को उठाया और देखो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल, देखो इसका शेप कितना अच्छा है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि आवर टेबल कवर है द प्रिंट ऑफ दिस लीव्स, यानी इस लीव्स के जो प्रिंट है उससे मैं अपनी टेबल को सजाऊंगा। रीता ने कहा यस तुम सही हो संजीव, लीव पैटर्न आर यूज्ड डिफरेंट, यानी कि इसका जो पैटर्न जो होता है, लीव्स का जो पैटर्न होता है, उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटीफुल डिजाइन आल्सो यूज्ड ऑन क्वेश्चन कवर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेहंदी डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जो हम अपने हाथों पर बनाते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।